अच्छा, चलिए लॉगरिथम का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑन लॉगरिथम। ओके, इसका आपको श्योर क्वेश्चन रहता है। ओके, हम लोग को क्लास 11th में लॉगरिथम में पढ़ाया था। ओके, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ओके, पहला प्रॉपर्टी है, अच्छा बच्चों डेरिवेटिव में आपका बेस हमेशा ही रहता है लॉग एम इंटू एन। बोलिए क्या फॉर्मूला है, लॉग एम इंटू एन इंटू पी, जो भी हो लॉग एम इंटू एन इंटू पी, क्या फॉर्मूला बोलिए, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। ओके, अगर एम इंटू एन होता है तो दो ठो ही रहेगा, लॉग एम प्लस लॉग एन, अगर पी तक जाता है तो लॉग क्या पी तक आएगा। ओके, आपका लॉग अगर एम इन टू एम दो टो रहता है तो दो ही तो आएगा, लॉग एम प्लस कितना, लॉग एम तीन तक रहता है तो तीन तक जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये लॉग द्वारा एम बाई एन, लॉग एम बाई एन क्या होता है बच्चे, इसका आपका कैलकुलस में बेस पूछने तो इसका ये होता है। ओके, या आपका लॉग एम माइनस कितना लॉग एन, फिर से बच्चे हम लोग जरूरत है आपका इंटीग्रेशन में भी जरूरत है लॉग का। ओके, ये आपका बहुत ही ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये ज़्यादातर यूज है, लॉग एम टू द एन, लॉग एम टू द एन बोलिए आपका एन लॉग एन लॉग एम, ठीक है। नेक्स्ट ये लॉग, ओके सपोज ये आपका ए का पावर एम, आप चाहते हैं ये चेंज करने के लिए चाहते हैं, ये चेंज करना चाहते हैं, वन बाय कर लीजिए इसका बेस और ये चेंज हो जाएगा। ओके, एम इधर आ जाएगा, ए उधर चला जाएगा। ओके, इसको कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। ओके, आपका सपोज ये चेंज करना चाहते हैं तो ये, ठीक है। नेक्स्ट ये लॉग, सपोज लॉग, ओके ओके, तो सपोज अपना सा कोई एक तो बेस लेना चाहते हैं आप। ओके, अपना सा कोई एक तो बेस लेना चाहते हैं आप, ऐसा कर सकते हैं, सपोज बेस ही लेना चाहते हैं, एम ऊपर रहेगा फिर ए नीचे रहेगा, ये अपना सा ये एक तो बेस लिया गया, अपना सा ये एक तो बेस लिया गया। ओके, तो कोई अपना सा एक तो बेस लेना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लॉग ही एम ऊपर रहेगा ए नीचे रहेगा। ओके, ये सब प्रॉपर्टी है, ये लॉग ए का पावर ए एक्स। ओके, सब सुनिए, लॉग ए कितना होता है, अगर ये दोनों सेम हो जाता तो इसका क्या होता है, वन हो जाता है। ओके, अब कैसा भी होता है लॉग बेस ही कितना होता है, वन। नेक्स्ट पर लॉग ई और ई टू पर एक्स, ये कट जाता है, कितना आता है, यह एक्स आता है, लॉग ई और ई टू द एक्स, ये आपका कट जाता है, एक्स आता है। ओके, नेक्स्ट ई टू पर लॉग ई एक्स, ये भी आपका एक्स ही आता है, ई टू पर लॉग ई, ई टू पर लॉग ई क्या आता है, ये भी आपका वन होता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारा फॉर्मूला है, तो मेनली ज़्यादातर ये यूज होता है लॉग एम इंटू एन, एम प्लस एन, लॉग एम बाई एन ये होता है और ये। ओके, ये बेस चेंज फॉर्मूला है, तो वन बाय करोगे ऊपर का नीचे आएगा, नीचे का ऊपर, अपना सा कोई एक बेस ले सकते हो ये बोल के, जो भी एक तो एम ऊपर ए नीचे। ओके, और ये तो बहुत यूजफुल है, लॉग ए वन लॉग ई वन और ये एक्स होता है, ये सब इंटीग्रेशन में भी चाहिए बच्चों, और भी फॉर्मूला है। ओके, तो इतना ही है बच्चों। ओके, तो ये डेरिवेटिव लॉगरिथम का फॉर्मूला कहाँ पर ये होता है, सपोज आपका एक क्वेश्चन है वाई इक्वल टू एक्स का पावर साइन एक्स, हाँ हाँ देखो ये पढ़ाया गया था बच्चों इसका। ओके, ये एक्स का पावर साइन एक्स, ओके इसका बोलता है डेरिवेटिव बोल करता है बच्चों, इसका दो मेथड बच्चों, एक लॉगरिथम मेथड है और आपका ये मेथड है, शॉर्टकट मेथड एक है और एक लॉन्ग कट मेथड एक है। ओके, शॉर्टकट मेथड बोलते पहले,
ये क्वेश्चन बच्चा ऐसा रहता है, एफ एक्स का पावर जी एक्स, नीचे एक फंक्शन रहता है और उसका पावर एक टो, इस टाइप का क्वेश्चन में आपका लॉगरिथम का यूज होता है। ये शॉर्टकट मेथड बच्चों, शॉर्टकट एंड लॉन्ग कट दोनों करेंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन में ऐसा रहता है एफ एक्स नीचे रहता है, जी एक्स ऊपर रहता है, यहाँ पर ये आपका लॉगरिथम का शॉर्टकट मेथड। देखिए इसका फॉर्मूला है एफ एक्स का पावर जी एक्स, नीचे वाला एफ एक्स होता है, ऊपर वाला जी एक्स होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में एफ एक्स आपका एक्स है, जी एक्स आपका साइन एक्स है, इसका डेरिवेटिव होता है एफ एक्स का पावर जी एक्स, उसके बाद क्या डेरिवेटिव ऑफ द एफ एक्स न्यूमरेटर, ये जो नीचे वाला का डेरिवेटिव, उसके बाद जी एक्स बाई एफ एक्स। ये शॉर्टकट मेथड बच्चों, शॉर्टकट फॉर्मूला बच्चों, ये लॉगरिथम का डेरिवेटिव मैक्सिमम इस टाइप का क्वेश्चन, एक्स का पावर साइन एक्स एफ एक्स और जी एक्स, इसका फॉर्मूला एफ एक्स बाय जी एक्स एफ डैश एक्स जी एक्स बाय एफ एक्स प्लस ओके जी डैश एक्स लॉग एफ एक्स। ओके बच्चों ये इसका फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला था लिखना चाहते तो लिख लीजिए। ओके बच्चों, ये एफ एक्स का पावर जी एक्स का डेरिवेटिव होता है शॉर्टकट मेथड, एफ एक्स का पावर जी एक्स, पहला एफ डैश एक्स का नीचे वाला का डेरिवेटिव, उसका जी एक्स बाय एफ एक्स प्लस जी डैश एक्स मतलब ऊपर वाला का डेरिवेटिव डिवाइडेड, हाँ ऊपर वाला डेरिवेटिव इंटू लॉग एफ एक्स। चलिए हम करते हैं एक्स का पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव, दो मेथड में करते हैं, एक यूजिंग लॉगरिथम और एक शॉर्टकट में करते हैं। चलिए तो बच्चों सपोज क्वेश्चन दिया है x का पावर साइन एक्स, ओके ये y इक्वल टू x का पावर साइन एक्स, पहला शॉर्टकट मेथड में करते हैं बच्चों। तो इसका dy वाई बाई डी एक्स का इसका शॉर्टकट मेथड ये है, आप लोग का MCQ का क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड में कर दीजिए। dy वाई बाई डी एक्स जो है फॉर्मूला है एफ एक्स पावर जी एक्स, नीचे वाला एफ एक्स है ऊपर वाला जी एक्स है, उसके बाद एफ डैश एक्स मतलब नीचे वाला का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, उसके बाद जी एक्स बाय एफ एक्स, ये ऊपर वाला जी एक्स है नीचे वाला एफ एक्स है, उसके बाद जी डैश एक्स मैंने ऊपर वाला का डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ द साइन एक्स डेरिवेटिव, हाँ जी डैश एक्स, उसके बाद लॉग एफ एक्स मीन्स ये आपका लॉग एक्स आएगा। ये बच्चों इसका शॉर्टकट मेथड है। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का पावर साइन एक्स, ओके ये डी एक्स डी एक्स कट जाएगा, ये साइन एक्स बाई एक्स डेडी साइन एक्स कॉस एक्स आएगा इंटू लॉग एक्स। बच्चों ये आपका शॉर्टकट मेथड का डेरिवेटिव है। प्यारे बच्चों शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला समझ गए, तो क्या फॉर्मूला है, अगर वाई इक्वल टू एफ एक्स का पावर जी एक्स फॉर्मूला बोलिए, डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला बोलिए, ये होता है एफ एक्स का पावर जी एक्स जी एक्स, उसके बाद एफ डैश एक्स डी एफ डैश एक्स, उसके बाद ऊपर वाला का जी एक्स बाय एफ एक्स, उसके बाद एक्स, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ द जी एक्स। बच्चे ये फॉर्मूला आपके एनसेट बुक में भी है, ये फॉर्मूला आपके एनसेट बुक में भी है, ठीक है। ये बच्चों एक्स का पावर साइन एक्स इस मेथड में हम निकाले, शॉर्टकट मेथड में, लॉन्ग कट मेथड में बच्चों निकालेंगे जिसका लॉगरिथम का सही यूज है। ओके तो y इक्वल टू एक्स का पावर साइन एक्स लॉगरिथम यूज करके करेंगे, पहला बच्चों यूज द लॉग बोथ साइड, यूज द लॉग बोथ साइड, इधर भी लॉग लेंगे इधर भी लॉग लेंगे, उधर भी लॉग लेंगे इधर भी लॉग लेंगे, ठीक है बच्चों। आओ दोनों तरफ लॉग ले लिए बच्चों, पहला लॉगरिथम का सिंपलीफिकेशन होगा बच्चों, पहला लॉगरिथम का सिंपलीफिकेशन होगा। बोलिए लॉग ये अप्लाई कीजिए, लॉग एम टू द एन का फॉर्मूला, ये आपका एक्स एम है और ये आपका एन है, क्या फॉर्मूला है लॉग एम टू द एन का फॉर्मूला, एन लॉग एम, ओके तो यही फॉर्मूला बच्चों अप्लाई होगा आपका। तो लॉग एम टू द एन क्या होता है आपके एन लॉग एम, ओके लॉग एम टू द एन आपके एन लॉग एम,
तो बच्चे जब ये लॉगरिथम का सिंप्लीफिकेशन होने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इधर भी जब लॉगरिथम का सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेरिवेटिव लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बच्चे प्रोडक्ट रूल गिरेगा, प्रोडक्ट रूल पता है तो, प्रोडक्ट रूल का डेरिवेटिव पता है तो, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड प्लस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट। तो बच्चे यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, ये आपका डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन इनटू हाँ डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट। ठीक है बच्चों, ये आपका डेरिवेटिव होगा बच्चों, ये आपका क्या होगा, डेरिवेटिव द फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड प्लस डेरिवेटिव द सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट। अच्छा बच्चों, ये डेरिवेटिव लॉग वाइज नहीं होगा, क्या करना है देखो, डेरिवेटिव ऑफ हमारा जो है ना लॉग वाइज बोल रहा है, ये डेरिवेटिव ऑफ द लॉग एक्स ये तभी अप्लाई होता है जब ये दोनों सेम होता है, तभी इसका डेरिवेटिव 1/x होता है। बच्चों ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, चेन रूल क्या करेंगे बोलिए, सेम नहीं है क्या करेंगे, सेम डी वाई एक तो डिवाइड करेंगे एक तो इनटू करेंगे। ओके हमारा बच्चे ये चेन रूल होता है, डेड ऑफ द लॉग वाई ये बेस ई है आपका, ओके लॉग का बेस ई है, ओके डेड लॉग वाई एक्चुअल निकालना है, तो सेम डी वाई डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तक इनटू करेंगे। ओके आपका बोलिए डेड साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, कॉस एक्स इनटू कितना, ये लॉग एक्स, और डेविड लॉग एक्स विथ रेस्पेक्ट एक्स बोले कितना 1/x, और क्या डेविड लॉग एक्स विथ रेस्पेक्ट एक्स 1/x साइन एक्स। तो बच्चे बोलिए डेविड लॉग वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई क्या फॉर्मूला है, डेविड लॉग वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई 1/y, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देन आपका कॉस एक्स इंटू कितना लॉग एक्स प्लस ये साइन एक्स बाई कितना एक्स। ठीक है तो बच्चों आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स डिवाइड बाई उधर इंटू वाई होगा, ये कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स बाई साइन एक्स बाई कितना एक्स। अच्छा बच्चों व्हाट इज योर वाई, व्हाट इज योर वाई, वाई क्या था बच्चों, एक्स टू द पावर साइन एक्स, तो वाई के बदले लिख दीजिए एक्स टू द पावर साइन एक्स। ओके ये आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का पावर साइन एक्स और ये कॉस एक्स और ये लॉग एक्स और ये आपका साइन एक्स पर एक्स। यही बच्चों शॉर्टकट में वही निकला था कि नहीं, देखिए थोड़ा बच्चों शॉर्टकट में वही निकला था कि नहीं, देखो कॉस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स बाय साइन एक्स, ओके वही बच्चों शॉर्टकट में भी निकला था। ठीक है तो आपका पर दो ठो ऑप्शन है जिस मेथड में आप कीजिए। ओके चलिए एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके तो बच्चों में बोला था ना जो एफ एक्स बाय जी एक्स शॉर्टकट मेथड, इसमें भी है आप लोग का बुक में भी है एफ एक्स बाय जी एक्स, ये y का मतलब एफ एक्स बाय जी एक्स लिखिए, ये एफ डैश एक्स जी एक्स बाई एफ एक्स और ये आपका जी डैश एक्स ये लॉग एफ एक्स, ये शॉर्टकट में तो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। ओके नेक्स्ट बच्चों ये हम लोग का किए एग्जाम्पल 32 एक्स का पावर साइन एक्स अभी किए बच्चों, यही वाला आंसर इसका एक्स का पावर साइन एक्स बाई एक्स, ओके कॉस एक्स लॉग एक्स अभी हम इसका किए। ओके उसी मेथड में किए। ओके ये वाला ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे तो लास्ट को। ओके पहले एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं, पहला क्वेश्चन नंबर थ्री दोनों मेथड में करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, आपका शॉर्टकट में आंसर क्या है मुझे बोलिए,
ये आपका वाई इक्वल टू लॉग एक्स का पावर कॉस एक्स। इसका शॉर्टकट में आंसर क्या है आपका बोलिए। तो बच्चों शॉर्टकट में इसका आंसर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, एफ एक्स का पावर जी एक्स, एफ एक्स का पावर जी एक्स, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ द एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ द एफ एक्स, ठीक है। और उसके बाद जी एक्स बाई एफ एक्स कॉस एक्स बाय क्या, बच्चों समझे, एफ एक्स बाय जी एक्स उसका डेरिवेटिव ऑफ द एफ एक्स, ये नीचे वाला एफ एक्स ऊपर वाला जी एक्स है, ओके। डेरिवेटिव एफ एक्स जी एक्स बाय एफ एक्स उसका डेरिवेटिव जी एक्स, जी एक्स आपका कॉस एक्स है, उसका लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स व्हाट इज योर एफ एक्स, एफ एक्स ये नीचे वाला एफ एक्स ऊपर वाला जी एक्स, एफ एक्स योर लॉग एक्स है, ओके। देन बच्चों देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स, ये लॉग एक्स का पावर कॉस एक्स, डेड लॉग एक्स बोलिए, डेड लॉग एक्स वन बाई एक्स, वन बाई एक्स ये कॉस एक्स बाय क्या, ये लॉग एक्स, डेड कॉस एक्स बोलिए विथ रेस्पेक्ट एक्स कितना, माइनस साइन एक्स, देन लॉग ऑफ क्या क्या आएगा, डेड कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये आपका लॉग ऑफ लॉग एक्स हो गया। अच्छा समझ में आया, ये एफ एक्स बाय जी एक्स हुआ, डेड लॉग एक्स एक्स वन बाय एक्स, ये एफ एक्स बाय जी एक्स, डेड एफ जी एक्स, ओके। ये आपका शॉर्टकट मेथड है। नेक्स्ट बच्चे उसका लॉन्ग कॉर्ड मेथड है। शॉर्टकट एमसीक्यू क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए, और कहीं पर टाइम नहीं होता है तो शॉर्टकट मार दीजिए। लॉन्ग कॉर्ड क्या होता है देखिए, वाई इक्वल क्या है, लॉग ऑफ कॉस एक्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स, ओके, नहीं लॉग एक्स है उसका पावर कॉस एक्स है, वाई इक्वल लॉग एक्स है उसका पावर कॉस एक्स है। बच्चे ऐसा एफ एक्स का और जी एक्स, नीचे एफ एक्स ऊपर जी एक्स, तभी लॉगरिथम का डेरिवेटिव अप्लाई होता है, नीचे एफ एक्स ऊपर जी एक्स। तो हमें पहला लॉगरिथम का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे बच्चों, इधर भी लॉग लेंगे, ओके, इधर भी लॉग, इधर भी लॉग लेंगे, उसके बाद बच्चों हम अप्लाई करेंगे लॉग एम टू द एन, ये आपका एम है ये, हाँ, इसके बाद बच्चों अप्लाई करेंगे लॉग एम टू द एन, क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला बच्चों, अरे एन लॉग एम, ओके, तो यही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ये लॉग ये एम है और ये एन है, ये एम है और एन है, लॉग एम टू द एन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ये क्या होगा देखिए, लॉग एम टू द एन का फॉर्मूला क्या है, ये आपका एम लॉग एन, ये एम ऊपर आप पहले बाहर आ जाएगी, ये एम है, ये आपका एन है, ओके। बच्चों यहाँ पर अब दो फंक्शन है, ये वाला एक फंक्शन है और ये एक तो फंक्शन है, ये यू इंटू वी का डेरिवेटिव लगेगा। अभी इसके बाद हो गया बच्चों लॉग एम टू द एन, हो गया लॉग एम टू द एन क्या है, एन लॉग, ये आपका ये आपका एम है और ये आपका एन है, ये आगे आ जाएगा एन लॉग एम, ओके, ये आगे आ जाएगा, ओके, ठीक है। अब बच्चों लॉगरिथम सिंप्लीफिकेशन होने के बाद दोनों टर्म डेरिवेटिव ले लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये लॉग वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये बच्चों प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, डेरिवेटिव द फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड,
प्लस ये फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन, डेविड फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड प्लस डेविड द सेकंड फंक्शन, डेविड द सेकंड फंक्शन, डेविड सेकंड फंक्शन टू फर्स्ट, ठीक है। ये बच्चों डेविड द फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड प्लस डेविड द सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट, ये डेरिवेटिव, ये लॉग वाई, 25 का डेरिवेटिव नहीं होगा, लॉग वाई का डेरिवेटिव नहीं होगा, सेम एक टू डी वाई आप डिवाइड करना पड़ेगा, सेम एक टू डी वाई डिवाइड करना पड़ेगा तभी जाके होगा डेरिवेटिव, लॉग वाई तभी अप्लाई होगा जब ये दोनों सेम होता है, डिवाइड करोगे तो किंटू करोगे, चेन रूल बच्चों कि सेम डिवाइड करोगे किंटू करोगे, डेरिवेटिव कॉस एक्स आपका माइनस साइन एक्स। हाँ बोलिए, थोड़ा राइट साइड को कीजिए। ओके ठीक है, कोई बात बच्ची समझ पे, प्रोडक्ट रूल डेविड फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड नॉट डेविड द सेकंड फंक्शन टू फर्स्ट, डेविड सेकंड फंक्शन टू फर्स्ट समझ गए, डेविड कॉस एक्स और ये डेरिवेटिव डिवाइड डिवाइड करोगे इनटू करोगे, ओके डेविड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डेविड फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड। अच्छा बच्चे इधर चेन रूल अप्लाई का, पहले इसका डेरिवेटिव बोलिए, पहले लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना, 1/x, पहले इस ब्रैकेट का अंदर वाला डेरिवेटिव फिर बाहर का डेरिवेटिव, पहले लॉग एक्स का डेरिवेटिव अंदर वाला डेरिवेटिव फिर लॉग एक्स का, लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x कितना x, देखिए इस लॉग का ना ये वाला x है, पहले लॉग एक्स का डेरिवेटिव हुआ, इस लॉग का ये वाला एक्स है, तो डेविड लॉग एक्स 1/x, ये एक्स है, ये टोटल आपका एक्स है, ओके पहला अंदर वाला डेविड लॉग एक्स 1/x, फिर इस लॉग का ये टोटल एक्स है, तो डेविड लॉग एक्स 1/x, ये वन ये पूरा बाई एक्स, ओके इसको पूरा एक्स समझ लीजिए, ओके इक्वल टू कितना कॉस एक्स। देन बच्चों आपका लॉग वाई का डेविड कितना विथ रेस्पेक्ट टू वाई, 1/y डी वाई बाई डी एक्स, इसको पहला लिख देता हूँ, ये माइनस कर लास्ट में लिखता हूँ, इसको पहला लिखता हूँ क्या, ये कॉस एक्स बाई एक्स लॉग एक्स, ये माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। ओके बच्चों डिवाइड बाई उधर जाए क्या होगा, बच्चों बच्चों डिवाइड बाई इधर आ क्या आएगा, अरे बच्चे डिवाइड बाई इधर आ क्या होगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई, व्हाट इज योर वाई वैल्यू, डिवाइड बाई इधर आ क्या मल्टीप्लाई बाई आएगा, व्हाट इज योर वाई वैल्यू, वाई क्या था लॉग एक्स का पावर कॉस एक्स, वाई था आपका लॉग एक्स का पावर क्या, लॉग एक्स का पावर कॉस एक्स, बच्चों डिवाइड वाई इधर एक इंटू वाई होगा, वाई का वैल्यू डाल दिया क्या, और ये आपका कॉस एक्स पर क्या एक्स लॉग एक्स माइनस, ओके ये आपका साइन एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, साइन एक्स हाँ लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। सो बोलिए आंसर यही था क्या, शॉर्टकट में हम लोग किए थे, हम लोग का शॉर्टकट बच्चों ये था कॉस एक्स बाई एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, यही था बच्चों, कह रहे बच्चों यस सर, यस सर, हाँ गुड। तो बच्चों धीरे धीरे बच्चों आपका इसको क्या कर लीजिए, वाई इक्वल टू क्या ले लीजिए, ये ले लीजिए, ओके वाई इक्वल टू आपका ये ले लीजिए, ओके ठीक है। तो वाई इक्वल लेने के बाद इसको बच्चों यू लॉग ऑफ एक्स को यू ले लीजिए, यू को लॉग ऑफ एक्स के पार एक्स ले लीजिए, इसको यू ले लीजिए और आपका इसको भी ले लीजिए,
इसको आप बच्चों भी ले लीजिए, बी इक्वल एक्स लॉग एक्स। ओके, देन बच्चों आपका वाई इक्वल क्या हो गया, वाई इक्वल यू प्लस बी। बच्चों इस फंक्शन को यू ले लीजिए और इस फंक्शन को भी ले लीजिए, देन बच्चों वाई इक्वल यू प्लस बी। हमें बच्चों डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स जो है डी यू वाई बाई डी एक्स और क्या डी वाई डी एक्स होगा, ये बात थोड़ा याद रख लीजिए। ठीक है, आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स। इसको u ले गया पहला फंक्शन को, इसको b ले गया, शॉर्टकट में करेंगे या लॉन्ग कट में करेंगे, दोनों मेथड में करना है। ओके, अभी बच्चे शॉर्टकट करते हैं, कल फिर इसको लॉन्ग कट में करेंगे, दो दो अलग। ओके, सिर्फ शॉर्टकट में कर देते हैं। ओके, तो du बाई डी एक्स बोलिए क्या होगा बच्चों, du बाई डी एक्स क्या होगा बोलिए, एफ एक्स पर जी एक्स, एफ एक्स का पर क्या जी एक्स। उसके बाद बोलिए फंक्शन क्या था, एफ एक्स पर जी एक्स का तो फॉर्मूला बोलिए क्या था, कह रहे बच्चों फॉर्मूला बोलिए, एफ एक्स पर जी एक्स। उसके बाद एफ डैश एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना, वन बाई एक्स, वन बाई एक्स एफ डैश एक्स। उसके बाद जी एक्स बाय एफ एक्स, एक्स बाय क्या था लॉग एक्स, जी एक्स बाय पहला लॉग एक्स डेरिवेटिव वन बाई एक्स। उसके बाद जी एक्स में एफ एक्स, वो जो फॉर्मूला था शॉर्टकट मेथड एफ एक्स बाय जी एक्स, उसके बाद एफ डैश एक्स नीचे वाला का डेरिवेटिव, उसके बाद जी एक्स में एफ एक्स। उसके बाद क्या था, उसके बाद प्लस जी डैश एक्स, जी डैश एक्स। उसके बाद लॉग एफ एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये बच्चों आपका डी यू बाई डी एक्स हुआ, डी यू बाई डी एक्स क्या हुआ। ओके, ये लॉग एक्स का पावर एक्स, ये एक्स और एक काट दीजिए कितना, वन बाय लॉग एक्स, और डी एक्स डी एक्स काट दीजिए, ये लॉग ऑफ लॉग एक्स हुआ। ठीक है, ये आपका डी यू बाई डी यू डी एक्स हुआ बच्चों। फिर डी वी बाई डी एक्स बच्चों बनाइए शॉर्टकट मेथड में, ये एक्स का पार कितना आएगा लॉग एक्स। पहला बनाइए डेरिवेटिव एफ एक्स, उसके बाद जी एक्स बाई एफ एक्स, जी एक्स बाई एफ एक्स। उसके बाद जी एक्स बाई एफ एक्स होने के बाद, हाँ बोलिए सर, थोड़ा लेफ्ट साइड ये समझ गए, तो एफ एक्स बाई जी एक्स, उसका डेरिवेटिव एफ एक्स, जी एक्स बाई एफ एक्स डेरिवेटिव जी एक्स, उसका लॉग एफ एक्स। तो ये एक्स लॉग एक्स कट जाता है, वन बाई लॉग एक्स रहता है, ये डी एक्स कट जाता है, ये लॉग एफ पर लॉग एक्स, ये आपका डी यू बाई डी एक्स आया। देन बच्चों डी वी बाई डी एक्स देखिए शॉर्टकट मेथड, एफ एक्स पर जी एक्स, एफ एक्स का पार जी एक्स, डेरिवेटिव था एफ एक्स, देन जी एक्स बाय एफ एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव था जी एक्स, डेरिवेटिव था जी एक्स, उसका लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स। एफ एक्स आपका एक्स है, एफ एक्स आपका एक्स है। ओके, जी एक्स बाई एफ एक्स, उसके बाद डेरिवेटिव जी एक्स ऊपर वाला डेरिवेटिव, उसके बाद जी एक्स बाई एफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स जो है आपका क्या होगा, एक्स का पार लॉग एक्स, डी एक्स डी एक्स कर जाता है लॉग एक्स बाय क्या एक्स, डेरिवेटिव लॉग एक्स वन बाय एक्स, और ये लॉग एक्स, ये आपका डी बाई डी एक्स कुछ। तो बच्चों हमें फाइंड करना था लेकिन डी वाई बाई डी एक्स, तो हमें ये वाई इक्वल यू प्लस बी लिए थे, वाई इक्वल टू यू प्लस बी लिए थे। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा,
ये डी यू वाई बाई डी एक्स बाई डी वी बाई डी एक्स, ये डी यू बाई डी एक्स बाई डी वी प्लस डी एक्स। वाट इज योर डी यू प्लस डी ए, डी यू वाई बाई डी एक्स कितना है आपका, ये है आपका डी यू बाई डी एक्स, क्या ये लॉग एक्स का पार एक्स, ये लॉग एक्स का पार एक्स कितना है, डी यू बाई डी एक्स कितना है, ये वन बाई क्या लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स। ओके ये बच्चा आपका डी यू बाई डी एक्स आया, प्लस डी वी बाई डी एक्स क्या आया, ये लिख दीजिए डी वी बाई डी एक्स क्या आया, ये एक्स का पार लॉग एक्स, अगेन ये लॉग एक्स बाई एक्स, ये जी एक्स बाई एफ एक्स तो, और लॉग एक्स का डेट कितना, हाँ ये डेढ़ लॉग एक्स, जी एक्स का डेढ़ ही फिर लॉग एफ एक्स। ओके डेढ़ लॉग एक्स, ओके ये तुम्हारा ये भी सेम थिंग आया, लॉग एक्स का पार कितना एक्स आया, तुम इसको टू लॉग ऑफ लेग एक्स भी लिख सकते हो। ओके तो ये आपका आंसर है, ओके ये आपका आंसर है डी वाई बाई डी एक्स जो है, डी वाई डी एक्स जो है आपका क्या है, डी वाई डी एक्स का वैल्यू और डी वाई डी एक्स का वैल्यू, इन दोनों का ऐड करके कर सकते हो। ओके टू लॉग एक्स का बाई एक्स, टू लॉग एक्स बाई एक्स, ओके ये आपका लॉग बेस ही है आपका, ये लॉग का ये बेस ही है और इसका एक्स। ओके ओके याद कर सकते हो, थोड़ा आंसर थोड़ा चेक कर लो, नेक्स्ट क्लास में इस काम पर आप बड़ा मेथड करेंगे, मीन्स ये मेथड वाला करेंगे। ओके नेक्स्ट क्लास में। ओके तो बच्चों समझ में आ गया थोड़ा, लॉगरिथम का डेरिवेटिव जहाँ पर एफ एक्स का जी एक्स था वहीं पर अप्लाई होता है। ठीक है बच्चों आज इतना रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास और थोड़ा पढ़ाई होगा इसका।